कांग्रेसियों ने हनुमान चौराहे पर अपनी सरकार आने की खुशी में मिठाई बांटी एवं एक दूसरे को बधाइयां भी दी। वहीं एक बात ये देखने को आई कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के अलग अलग गुट के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की जीत की खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनते से ही उन्होंने किसानों के कर्जे माफ कर दिए। जो किसानों पे अत्याचार हो रहा था, उन अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस ने कदम उठाए, किसानों को काफी राहत एवं साथ ही हमारे बेरोजगारों के हित में, मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के हित में प्रदेश सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। जो भर्तियां जो होती थी, आज मध्य प्रदेश के लोगों की भर्तियों की बाहरी लोगों पर उन्होंने रोक लगा दी। आज हम प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने आते से ही इस तरह के फैसले प्रदेश सरकार के द्वारा लेके आए। इसी हनुमान चौराहे पर बेरोजगारों को बेरहम लाठी से इस प्रदेश सरकार ने लाठियां बरसाई थी। उन बेरोजगारों के ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश से बाहर के लोगों पर, लोगों को यहाँ भर्ती किया जा रहा था। जब हमारे प्रदेश के लोगों ने यहाँ उसके खिलाफ आवाजें उठाई थी, तो इसी प्रदेश सरकार की पुलिस ने, भाजपा की सरकार ने उन बेरोजगारों के ऊपर लाठियां बरसाई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो आवाज उठाई थी,